हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है। एंड आज के जो वीडियो होने वाला है, आई नो आपको पता चल गया होगा, बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी आपको, तो मैं उसको आपको पहले बोल देती हूँ, देन मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगी। तो यार, बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी, क्योंकि मेरे बिजनेस भी है तो उनको मैं खुद ही संभालती हूँ, मतलब मैं पूरा काम संभालती हूँ, मेरे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था कुछ रहने के लिए। बट अब भी कुछ दिन मतलब इरेगुलर हो सकता है मेरा, तो उसको थोड़ा सा अब मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम होते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वीडियो करने में, क्योंकि वीडियो करना ही नहीं होता है, उसको एडिट करना है, बहुत सारा कुछ काम होता है, तो इसलिए। तो नेक्स्ट बात जो मैं बात आपको बोलना चाहूँगी, मैं ब्लॉग बहुत अच्छा जब ब्लॉग आने वाला है, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यार चलिए, आज के जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। सो आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि मैं जब इसको मैंने पोस्ट किया था कि मैं ये रिंग लाइट ली एंड उसका जो प्राइस है 400 रुपीज़, सो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था कि कहाँ से ली, कौन सी साइट से ली, एंड उसका प्राइस क्यों इतना कम है, अच्छा है नहीं है, तो मैं पूरा डिटेल्स आपको वीडियो में दे दूँगी आज। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना पड़ेगा, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने लिया है एक रिंग लाइट, तो ये आई थी इस कार्डबोर्ड पे पैकेजिंग पे, तो ऐसा कुछ पैकेजिंग था एंड बाहर का जैसा होता है ऐसा था, मतलब पार्सल पैकिंग में था। तो या बहुत दिन पहले लिया था, लाइक 1 वीक हो गया था, बट मैं वीडियो नहीं कर पाई तो इसलिए। तो इसका मैंने परचेज किया था अमेजोन से, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इसका ज़रूरत था। एंड क्यों था, क्योंकि मैं कभी कभी सुबह में सूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मतलब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्ची है तो उसको भी संभालना पड़ता है, एंड तो इसलिए कभी कभी जब वो जाग जाता है मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। एंड इसका जो मेन रीज़न था लेने का वो है, जब मैं मेकअप वीडियो कर मतलब जब भी मैं मेकअप वीडियो शूट करती थी तो लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं ले लेते हैं। बट इसका जो प्राइस इतना ज़्यादा हाई होता है, लाइक 2000-3000 इतना होता है, तो तभी मैंने नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं लूँगी। तो मैं जब भी स्क्रॉल कर रही थी कभी एक हफ्ते मतलब जब मैंने इसका ऑर्डर किया, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी रिंग लाइट क्यों लेके, मतलब वहाँ पे आ गई थी 400, तो मैंने देखा एंड सोचा लाइक 400 में रिंग लाइट। तो या तो इस अभी आते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में। तो रिंग लाइट मैंने लिया है अमेजोन से, मैं परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको मिल जाएगा वहाँ से। बट हाँ, इसमें कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है, इसका साथ जो स्टैंड आता है वो नहीं है, बट मेरे को भी उसको मतलब ज़रूरत नहीं था कि मेरे को स्टैंड भी चाहिए था, तो मैं इसको ले लिया इसलिए। तो 400 रुपीज़ में रिंग लाइट आई थिंक बहुत अच्छा मतलब उत बाई है, क्योंकि इसका जो मतलब क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छे है। तो रिंग लाइट ऐसा कुछ आता है, इसका जो डायमीटर है वो है 26 सेंटीमीटर, मतलब 26 सेंटीमीटर है। एंड यहाँ पे बाकी डिटेल्स है, ठीक है, यहाँ पे पैकिंग पे बाकी जो डिटेल्स है, एंड अमेजन पे वहाँ पे भी आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगा आपको। बाद आते हैं, मैं जैसा बोल रही थी आपको कि इसके साथ कोई भी स्टैंड नहीं आया है, ठीक है, बट इसके बाद इसके साथ जो आया है वो है एक आपको फ़ोन लगाने के लिए, ये कैमरा के लिए नहीं है, ये फ़ोन के लिए है। बट क्वालिटी जो दिया है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, एकदम स्टेडी है एंड ये ना मूवेबल है, ऐसा है, एक आपको ये अब मूव कर सकते हो, ठीक है, ये आया है, ये आप दोनों साइड से लगा सकते हो, ठीक है, देखिए ऐसा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टडी है, ऐसा नहीं है मतलब नॉर्मल सा मतलब कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं है, बहुत ही स्टडी है। एंड इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का है, 400 रुपीज़ में मतलब बहुत ही अच्छा हुआ हाई क्वालिटी का है। देन आते हैं रिंग लाइट पे, तो रिंग लाइट कुछ इस तरह के ऐसे देखते हैं, इसमें यूएसबी है,
USB जैसे होते हैं हमारे फोन के, तो इसको आपको फोन में अटैच करना है। उसका मैं वीडियो दे दूंगी आपको कैसा कैसा आपको करना है, लाइट कैसा चेंज होगा, मैं सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बट पहले मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे USB चार्जर दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपका एक रिमोट टाइप का दिया हुआ है। तो इसका जो यहाँ पे रिमोट दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ऑन करने के लिए आपको स्विच है, आपका नॉर्मल लाइट भी है, वाइट लाइट है, वार्म लाइट है एंड उसको बढ़ाने के लिए भी एक स्विच दिया है। मैं उसको आपको दिखाऊंगी बट पहले मैं इसको दिखा देती हूँ। तो ऐसा कुछ टाइप है। मेरे को स्टैंड इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं जब शूट करती हूँ, मैं एक सेटअप कर लेती हूँ तो उसमें मेरे को स्टैंड नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे रख के भी, मतलब कहीं पे ऐसा ऊपर करके रख के भी, तो उसमें से मैं शूट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टैंड के साथ लूँगी तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाएगा, जो अभी मेरा बजट नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ही ले लेती हूँ। तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा वर्थ बाइंग है, एकदम 400 में इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल पाएगा आपको। बट हाँ, इसका कोई वारंटी नहीं है, बट आई थिंक 400 में वारंटी मेरे को भी नहीं चाहिए। तो या अगर आप मेरे को पूछना चाहते हो कि आप इसको ले सकते हो, मैं बोलूँगी एकदम आप ले सकते हो। अगर आपका स्टैंड की ज़रूरत नहीं हो तो आप अलग से स्टैंड भी इसको लगा सकते हो, अलग से मतलब ख़रीद के, बट मेरे को नहीं चाहिए थी तो मैंने नहीं लिया है। तो अगर आप लेना चाहते हो वो भी वहाँ पर अमेज़न पर आपको मिल जाएगा, लोकल पे भी आपको शायद मिल जाएगा। तो या तो ये है रिव्यू। तो अगर आपको लेना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर एक बार चेक करना, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपका जो लिंक है। तो इसको कैसे चलाना है मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो या आपको उसको USB को लगाने के लिए ऐसा चार्जर आपको चाहिए एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको, बट फिर से मैं एक बार दिखाऊँगी आपको कि ऐसा USB आपको मिलेगा एंड यहाँ पे आपको बटन मिलेगा ऑन ऑफ प्लस का, मतलब आपका लाइट का अप करने के लिए एंड लो करने के लिए। मैं लगा लिया है एंड मैं आपको अभी लाइट कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑन कर दिया, यहाँ पे आप जब तक स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। तो मैं स्विच को ऑन करती हूँ, स्विच को आपको ऑन करना है एंड ये नॉर्मल वाइट LED लाइट है एंड इसको आप माइनस करेंगे तो उसका जो लाइट है वो कम हो जाएगा। मिडिल का जो है वो चेंजर है तो ये वार्म लाइट में हो जाएगा एंड उसको भी आप चेंज कर सकते हो या। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, प्लस करोगे तो उसका जो लाइट का जो टेम्परेचर, मतलब जो लाइट है वो बढ़ जाता है उसका। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मैंने कुछ फ़ोटो लिया है उस लाइट में तो मैं वो भी अटैच कर दे रही हूँ यहाँ पे एंड वीडियो भी मैंने थोड़ा सा कर दिया आपके लिए कि कितना अच्छा है या बुरा है जो भी है। तो इसलिए मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है ऐसे तो मेकअप। तो या आपने देख लिया कितना, मतलब कितना अच्छी तरीके से ये आप काम कर सकते हैं, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो या दिस इज़ द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड आज के लिए बाय बाय।